अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियाँ देखना पसंद हैं तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हर कोई अपने सपने को पूरा करने आता है, शायद इसलिए इसे सपनों का शहर कहते हैं, और यह शहर है भारत की शान मुंबई। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। हमारे इतिहास में हर कोई दिल्ली का रुख करता था, इसलिए कहा जाता था कि अब दिल्ली दूर नहीं, मगर अब हर कोई मुंबई का रुख करते हैं। यहाँ के बारे में एक बात और प्रचलित है, और वो यह है कि यह शहर कभी सोता नहीं। तो चलिए इस शहर के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आप नहीं जानते। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग गाइस। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई भारत के तीसरे सबसे बड़े स्टेट महाराष्ट्र की राजधानी है। 1995 तक मुंबई को हम बॉम्बे के नाम से जानते थे। बॉम्बे एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्यूटीफुल बे या सुंदर खाड़ी। मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। मुंबई दो शब्दों से मिलकर बनता है, मुंबा और आई। मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है और आई का अर्थ होता है माँ, यानी एक ऐसी माँ जो हर किसी का पेट भरती हो। मुंबई की जनसंख्या 3,30,00,000 के करीब है, और यह आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। मुंबई जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई 7 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई का बंदरगाह भारत का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है, और इसके साथ ही ये सबसे व्यस्त बंदरगाह में से एक है। मुंबई दुनिया की 10 कमर्शियल सेंटर्स में से एक है। भारत की GDP का 5% मुंबई से ही आता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई शहर 250 ईसा पूर्व से स्थित है, तब इसे हेप्टानेशिया कहा जाता था। मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सन 1668 में आज का मुंबई शहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर दे दिया गया था। मुंबई के फेमस गेटवे ऑफ इंडिया को भारत के सम्राट जॉर्ज V ने महारानी मैरी के आगमन के स्वागत के लिए बनवाया था, जो 4 दिसंबर 1924 को पूरी तरह से बन गया। मुंबई में हर वर्ष करीब 87 इंच बारिश होती है। मुंबई में स्थित बॉलीवुड का बी बॉम्बे से ही लिया गया है। यह शब्द बॉम्बे और हॉलीवुड को मिलाकर बॉलीवुड बनता है। पूरे भारत में हर रोज करीब 2 करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में ही 64,00,000 लोग रेल यात्रा करते हैं। मुंबई की सिटी बस में रोज करीब 45,00,000 लोग सफर करते हैं। मुंबई की इतनी तरक्की करने के बावजूद मुंबई का एक काला सच भी है, और वो यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ मुंबई में ही पाई जाती हैं। इतनी तरक्की के बावजूद मुंबई की कुल जनसंख्या का लगभग 60% अंश गंदी बस्तियों और झुग्गियों में बसता है। मुंबई की धरावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, जिसमें करीब 10,00,000 लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, यह दुनिया की सबसे महंगी स्लम बस्ती है। 2008 में फोर्ब्स ने मुंबई को टॉप 10 सिटीज ऑफ बिलियनर्स की लिस्ट में जगह दी थी। मुंबई की क्रिकेट टीम को रणजी में अब तक 38 खिताब मिल चुके हैं, जो बाकी ऑल टीम में सर्वाधिक है। भारत की पहली 5-स्टार होटल मुंबई में ही बनाई गई थी, जिसका नाम है ताज। भारत का पहला रेलवे स्टेशन भी मुंबई में ही है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भारत में पहली बार ट्रेन भी मुंबई में ही चलाई गई थी। मुंबई को और कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से बॉम्बे, माया नगरी, सपनों का शहर, भारत की आर्थिक राजधानी प्रमुख हैं। इसके अलावा भी मुंबई के बहुत से तथ्य हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बनाऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुंबई के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।